छतरपुर के कांग्रेस कार्यालय में टीकमगढ़ के लोकसभा प्रत्याशी पंकज अहिरवार का चुनावी कार्यालय शुरू हो गया है। राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय से इस चुनावी कार्यालय का शुभारंभ हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी पंकज अहिरवार के अलावा जिलाध्यक्ष महाप्रसाद पटेल, सरमन लाल मिश्रा ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ पंकज अहिरवार ने बैठक की और लोकसभा चुनाव की रणनीति भी बनाई। इस दौरान हमारे संवाददाता संजय अवस्थी ने प्रत्याशी पंकज अहिरवार से बातचीत की। माता रानी की कृपा आप पर हो, आपकी ओर से हमारे ऊपर भी बनी रहे। आज इस शुभ अवसर पर छतरपुर जिले के कार्यालय का उद्घाटन शुभारंभ किया गया है और सारे कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ में, और एक बैठने की व्यवस्था है। वैसे कार्यालय तो पहले से भी था और सुचारू रूप से चालू हो गया है ताकि किसी को प्रकार की दिक्कत ना हो। एक स्थान पर नहीं, ये कोई इशू नहीं है, सारे लोगों का हमारे साथ में सहयोग है, सब लोग आए कि, और ऐसी कोई बात नहीं, उन्हीं के मार्गदर्शन में कार्यालय खोला गया, कोई बात नहीं है। और प्रेजेंट में कौन उपस्थित है कौन नहीं है ये कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि सब लोग उन्हीं के मार्गदर्शन में। देखिए, रणनीति तो हम ओपन नहीं करेंगे, लेकिन मुद्दे जरूर हैं। मुद्दे ये हैं कि जो विगत 15 वर्षों से स्थापित हैं जो विपक्ष के नेता हैं, तो उन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। आप लोग सभी जानते हैं कि छतरपुर जिले के, चाहे टीकमगढ़ जिले के या निवाड़ी जिले के किसी भी ग्राम में जाएंगे आप, ना तो कोई पत्थर मिलेगा, ना सड़कों की व्यवस्थाएं मिलेंगी, ना पानी की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य रोजगार सबसे वंचित हैं। तो क्षेत्र में रिस्पॉन्स है और सब लोगों का एक ही सोच है कि हमें बदलाव करना है, इस बार हमें कांग्रेस को जिताना है। अब पीटी का लोड